तुम भी यार महसूद हो क्या, ये बताओ किसी भी पठान को या महसूद को उठा के इस तरह कत्ल कर दिया जाएगा और कोई उस पर एक्शन नहीं होगा? देखिए मैं इसका महसूद मेरी आर्मी में भी है, इसका क्या मतलब है कि आप भी बेगुनाह उठा के लीजिए? हम खुद उस होटल पे बैठे थे, सुराबगोट थाने का अली अकबर है, वो आया अपने साथियों समेत उसको उठा के ले गया। जब उसको लेकर गया वो चाय पी रहा था बेचारा वहाँ पे, उसने उसका सिर्फ यही कसूर था कि वो कराची आया, उसने कपड़े की दुकान डाली, उसके पास 2 रुपए ज्यादा कमाने के थे, लोग अली अकबर ने उससे उठाया पैसों के लिए, लेकिन ये तशद्दुद करते हुए वहां मारा गया क्योंकि एक हाथ टूटा हुआ था, इस पे तशद्दुद का निशान थे। उसके बाद इन्होंने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए उसका एनकाउंटर किया गया इंशाल्लाह। और हम पख्तून क्यों बदनाम है, हम क्योंकि सर के ऊपर थर नहीं छोड़ते, एक बंदा आगे निकलते तो उसकी टांगे काटने को दौड़ते हैं। नकीब को किसने मरवाया? इन्हीं पख्तूनों ने, हमने खुद मुखबर है, हम खुद एक दूसरे को मरवाते हैं। मेरे इलाके में मेरा अपना होगा वो मेरे से जेलस होता होगा, पुलिस को जाकर बोलेगा कि 50,000 इससे निकलवाओ, 20 मेरे 30 तुम्हारे, यही चल रहा है। पख्तूनों को आज कौन मरवा रहे? पख्तून ही मरवा रहे हैं, सब मुखबर करवा रहे हैं, सारे मुखबर बैठे हुए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे इलाके में कितने मुखबर है, वो नकीब जा रहता था उसके इलाके में कितने मुखबर है। ये सारा का सारा कराची में जो ये किलिंग हुई है, टांग डीआई खान वजीरिस्तान से नाम भी जुआया जाते थे, यही जो पुलिस के जो पैसों के लिए बैठे होते थे वो यहाँ पे बेगुनाह लोगों को मरवाया जाता था। रोजात खान मसूद को शहीद किया गया, किसने करवाया? ये शेख जुमान ने, जिसको बाद में सर काट दिया गया। आखिरकार ये है कौन? क्या इन तक रसवाई नहीं हो रही है? आखिरकार